नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। लद्दाख में हिंद के वायुवीरों की हुंकार, सुखोई 30 और अपाचे की गर्जना से दहला चीन। सीमा पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने रविवार को लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। अग्रिम एयरबेस के पास एयर ऑपरेशन में सुखोई 30, एमकेआई, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वायुसेना का कहना है कि एयरबेस पर तैनात हर हवाई योद्धा किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उनका जोश हमेशा हाई है। गलवान के बाद अंडमान में भारत की बड़ी तैयारी है। हिंद महासागर में भारत ने चीन के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी है। पीएलए पर नजर रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। कल ही थल सेना ने लद्दाख में एक डिवीजन और बढ़ाने का फैसला किया था। LAC पर भारत के सूरवीर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। LAC पर भारत के वायुवीर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पटकथा तैयार कर चुके हैं। आसमान में अग्रिम मोर्चे पर भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान हुंकार भर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया तो इस बार अंजाम गलवान से भी बुरा होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत चीन सीमा पर थल सेना के कितने जवान तैनात हैं। उत्तरी कमान में 34,000 सैनिक तैनात हैं। मध्य कमान में 15,000 सैनिक तैनात हैं। पूर्वी कमान में 1,75,000 सैनिक तैनात हैं। भारत चीन सीमा पर वायुसेना मध्य एयर कमान में 94 लड़ाकू विमान, 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 1 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। भारत चीन सीमा पर वायुसेना ने दुश्मन को जवाब देने की ऐसी तैयारी कर रखी है जिसका अंदाजा लगाना भी असंभव होगा। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। भारत के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। MiG-17 V-5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता है। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया चीन से टकराव के बाद लेह पहुंचे थे। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।